माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं जा रही हूँ हाइड्रा फेशियल करवाने। सो हाइड्रा फेशियल के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। इट इज़ वेरी गेटिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। मैंने कभी ये फेशियल करवाया नहीं है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गो एंड ट्राई इट आउट फॉर माई सेल्फ। लाइक जब मेरी सिस्टर की वेडिंग थी तो भी उसकी मेकअप आर्टिस्ट ने उसको हाइड्रा फेशियल ही सजेस्ट करा था। तो काफ़ी सारी ब्राइडल्स को भी ये वाला फेशियल सजेस्ट करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फेशियल्स फॉर ब्राइडल एज वेल। तो मैं बस चेक करना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी क्या बेनिफिट है इस फेशियल का। इज इट जस्ट लाइक अनदर रेगुलर फेशियल या फिर कुछ ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। सो फॉर दैट पर्पज़ आज मैं हाइड्रा फेशियल करवाने जा रही हूँ, और मुझे लगा मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सो स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड चलो फिर चलते हैं सैलून में हाइड्रा फेशियल करवाने। तो मेरे लिए ये सही रहेगा, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ, मैंने पहले कभी करवाया नहीं है। ये सही रहेगा क्योंकि बिकॉज ये स्किन के अंदर जाके काम करता है। ओके जी, जैसे कि अपना नेचुरल जो विटामिन सी होता है ना, तो अपने फेस पे कैसे कम हो जाता है, वाटर भी कम हो जाता है। राइट राइट राइट। तो ये डायरेक्ट स्किन के अंदर डालते हैं। ओके जी, तो इसको स्किन अपनी ग्लोई दिखती है और अच्छी दिखती है, मतलब, और इसका रिजल्ट आपको खुद को दिखेगा। ठीक है, अब एक बार करें। अच्छा, तो इसमें ये सारे टूल्स यूज होने वाले हैं? जी। ओके, ये सारे यूज होंगे? ये सब यूज होंगे मैम। ये स्क्रबर है और ये अपना स्किन पे जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, रिंकल्स वगैरह। ओके, ये उसके लिए है। और फिर ये वाला, ये भी स्क्रबर है और ये भी स्क्रबर ही है। ओके ठीक है। और ये वाला जो सीरम होता है ना विटामिन सी का, ये स्किन के अंदर देते हैं। ओके जी। और जब लास्ट में अपने ये पोर्स ओपन रहते हैं ना, तो इससे श्रिंक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ओके ठीक है। स्किन को टाइट करता है और जो रिंकल्स वगैरह आते हैं ना, उसको रिमूव करता है। ओके ठीक है। तो ये सीरम इसमें पहले से ही रहते हैं ये सारे? जी हाँ, ये नहीं, सीरम इसमें मिलाना पड़ता है मैम। अच्छा जी। और इसका जो ये है ना वाटर, ये इसमें रहता है। ओके ओके ठीक है, वी कैन स्टार्ट। वो बहुत होती है ना, तो उसको हल्की स्वेलिंग आ जाती है बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा ओके जी। सेंसिटिव ही है मेरी स्किन। हाँ, तो वो मैं बता रही थी आपको, क्योंकि कैसे ना आपकी स्किन ऑलरेडी रेड है। हाँ, तो ये जो रेड मार्क है ना, इट्स लाइक अ बर्थ मार्क, ये तो ये है ही है। बट अगर हाँ, अभी चीक्स एंड ऑल बाकी आप देख रहे हो, बाकी तो रेड नहीं है ना। राइट, हाँ, तो ये रेडनेस तो इट्स लाइक अ बर्थ मार्क, ये पहले से है। एक्चुअली मैंने पहले से बता दिया क्योंकि, या दैट्स ओके, दैट्स ओके, वी कैन स्टार्ट। आपका जो भी उसका सक्शन रहेगा, लो से ही स्टार्ट कीजिएगा, जस्ट अकॉर्डिंग टू द स्किन जितना आपको लगे। सिर्फ 10 सेकंड का ही रहता है। ओके, 10 से ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है। और कैसे ना आपकी स्किन तो दिख ही रही ऑलरेडी सेंसिटिव, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं ले, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही रहता है इसका जो भी मतलब रहता है ना। ठीक है, ओके, लेट्स सी। इसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिलाना पड़ता है मैम। इन व्हाट, जैसे ये सीरम होता है ना, ओके ओके, तो ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके जी, इसके अंदर रोज वाटर मिलाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा है। ओके, तो ये कौन सा सीरम है ये वाला? ये विटामिन सी का है। ओके ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा। यस, तो ये भी उसमें जाएगा। जी मैम, जब क्लींजिंग के बाद में यूज करूंगी ना, तो मुझे कैसे मिलाना वैसे। ओके, ये क्लींजिंग है मैं। सो यहाँ से शुरू होता है हाइड्रा फेशियल। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी स्किन को क्लींस करा अच्छे से। आई डोंट नो कि क्या यूज़ करा था, ये काफ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट था। अच्छे से उन्होंने पहले मेरे चेहरे के ऊपर और गर्दन के ऊपर भी इसको स्प्रेड करा, मसाज करा, एंड शी टुक हर टाइम, बहुत ही जेंटली उन्होंने मसाज करा एंड रियली इन्जॉयड दिस प्रोसेस। और फिर उसको वेट स्पंज के साथ क्लीन कर दिया। तो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कौन से स्टेप उन्होंने किए इस हाइड्रा फेशियल में, सो दैट यू गेट टू नो किस तरह से ये पूरा फेशियल जो है वो होता है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ये नोज़ल यूज़ करा, जिसके बारे में शी हैज़ मेंशन अर्लियर कि ये एक स्क्रबर होता है और इससे जितने भी ज़िद्दी ब्लैक हेड्स होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाते हैं। सो एक्चुअली ये जो नोज़ल है ना, इसमें सक्शन की मदद से मतलब पानी आता रहता है और वो सक करके जितने भी पोर्स में ब्लैक हेड्स फंसे होते हैं उनको पुल करके बाहर निकाल लेता है। दैट इज़ हाउ दिस टूल वर्क। और जितने भी ज़िद्दी ब्लैक हेड्स हैं जो आपके रेगुलर फेशियल में नहीं निकलते, यहाँ पर इस स्टेप में वो अच्छे से निकल जाते हैं। दैट इज़ वट आई नो अबाउट दिस टूल। तो यहाँ पे जब वो इसको यूज़ कर रही थी ना, आप देख ही रहे हो, मेरे चेहरे को देख के थोड़ा समझ ही रहे होगे, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। नोजल हार्श लग रहा है, मतलब जो चुभ रहा है आपको कुछ? हाँ, सी ऐसे ही होता है ये, ऐसे ही रहता है। ओके जी, एम के लिए करना होता है ये वाला स्टेप? ये सिर्फ 10 मिनट में। ओके, तो मुझे एक्चुअली जब वो नोज़ल मेरी स्किन के ऊपर मूव कर रही थी ना, तो वो बहुत ज़ोर से मुझे जैसे मेरी स्किन रगड़ रही हो वैसा फील हो रहा था। दैट इज़ व्हाट आई मेंशन्ड हर कि मुझे नोज़ल जो है मेरी स्किन के ऊपर कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो उन्होंने कुछ सेटिंग तो चेंज किया और उसके बाद दोबारा से पुल करना स्टार्ट किया, और आप देख ही रहे होगे मेरी चीक के ऊपर सडनली जब उन्होंने दूसरी साइड पर करना स्टार्ट करा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी ऐसे लाइन जैसे बन गई। और ये वाला स्टेप जो है वो उन्होंने पूरे 10 मिनट्स तक नहीं करा, बिकॉज माई स्किन वॉज गेटिंग रेड और मुझे कहीं कहीं पिम्पल भी थे। तो वो भी जगह उन्होंने मेंशन करी कि मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ये जगह छोड़ रही हूँ, कि नहीं तो ये आपकी स्किन ऑलरेडी रेड हो रही है और पिंपल वाले एरिया पे करूँगी तो और ज़्यादा रेड हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने मेरे चेहरे के ऊपर पूरा एलोवेरा जेल अप्लाई करके उसको स्प्रेड करा नेक्स्ट स्टेप के लिए। सो एक्चुअली ये वाला टूल जब उन्होंने मेरी स्किन पे जैसे ही टच किया ना, मुझे एक टिंगलिंग सेंसेशन फील हुई, और आप इस टूल का साउंड भी सुन ही रहे हो। तो इस टूल में से ना कांस्टेंट साउंड आती रहती है, एंड उसके साथ साथ ये स्किन के ऊपर से जितनी डेड स्किन है या जितने ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं उसको हटाने में हेल्प करता है। सो इसका जो सेंसेशन है वो स्किन के ऊपर थोड़ा वार्म भी लगता है, हल्का हल्का गर्म भी लग रहा था। उसके साथ साथ वो जो टिंगलिंग सेंसेशन थी वो एकदम से जब मेरी स्किन के ऊपर टच हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा डर गई, घबरा गई कि हाई मतलब वट इज़ दिस साउंड, दैट इज़ वाई वो रिएक्शन आया उस वक्त। बट ये वाला स्टेप भी जो है ये पूरे 10 मिनट तक किए जाने वाला स्टेप है। एंड उसके साथ अगेन एज आई मैंशन कि इस स्टेप में भी जो डेड स्किन है वो निकलती है और जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं स्किन के ऊपर से वो निकल जाते हैं। ये मतलब ब्लैक हेड्स हटाने के लिए? ये भी ब्लैक हेड्स हटाने के लिए। सो ये स्क्रबिंग स्टेप भी उन्होंने 10 मिनट्स तक फॉलो किया। उसके बाद मेरी स्किन को वेट स्पंज से क्लीन करा, एंड देन शी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें वो जो स्टार्टिंग में सीरम रेडी करा था, इसमें विटामिन सी सीरम और रोज़ वाटर का मिक्सचर रेडी करके रखा था। सो दैट इज़ व्हाट शी इज़ यूजिंग ऑन माय स्किन। तो ये बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा था स्किन के ऊपर। रोज़ वाटर की बहुत ही तेज़ और प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस आ रही थी, और बीच बीच में शी वॉज़ आस्किंग मी कि स्किन के ऊपर कोई इचिंग या इरीटेशन तो नहीं हो रही है, एंड मुझे कहीं कहीं हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही थी, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज मैंशनिंग टू हर, कहाँ कहाँ मुझे टिंगल हो रहा है, बिकॉज विटामिन सी सीरम से स्किन में टिंगलिंग हो सकती है। तो ये वाला स्टेप जो है ये भी 10 मिनट्स तक फॉलो किया, और उसके बाद जो सीरम स्प्रेड किया था स्किन के ऊपर उसको हल्का सा मसाज किया, फिर उसको एयर ड्राई होने दिया, और मुझे नोज के पास काफी ज्यादा टिंगलिंग हो रही थी तो मैंने उसको मेंशन करा, एंड देन शी पुट सम एलोवेरा जेल ओवर देयर। अगले स्टेप में दोबारा से पहले चेहरे के ऊपर काफी सारा एलोवेरा जेल उन्होंने स्प्रेड करा, फिर उसको फिंगर टिप की मदद से स्प्रेड कर लिया, एंड देन फिर ये वाला टूल यूज़ करना स्टार्ट करा। ये एक फ्लैट टूल था, एंड आई थिंक शी मेंशन कि ये वाला टूल जो है पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है। तो जो ब्लैक हेड्स निकाले हैं या स्किन स्क्रबिंग हुई है स्क्रबर की मदद से, उससे पोर्स ओपन हो गए होंगे, और उसके बाद हमने अभी सीरम भी ऐड कर दिया है, तो ये वाला जो टूल है ये पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा। ये वाला जो ओवरऑल प्रोसेस है ये भी 10 मिनट तक किया, और ये वाला जो टूल है जब ये इसको स्किन के ऊपर घुमा रहे थे तो ये भी स्किन के ऊपर वार्म और गर्म फील हो रहा था, हल्का सा वार्म, नॉट टू मच हॉट, हल्का सा वार्म लग रहा था स्किन के ऊपर। देन अगेन स्किन को वाइप करा, और उसके बाद फिर से स्किन के ऊपर एलोवेरा जेल इवनली स्प्रेड करी, उसको मसाज करा, और फिर नेक्स्ट टूल यूज़ करा। तो हाइड्रा फेशियल के इस स्टेप में जो टूल यूज़ कर रहे थे, इसके नीचे छोटे छोटे बीड्स हैं,
तो ये बीच जब वो मेरे चेहरे के ऊपर इस तरह से मसाज करने के लिए यूज़ कर रहे थे तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील आ रहा था, लेकिन इन सारे बीट्स के बीच में सेंटर में एक ऐसा बीट था जो स्किन के ऊपर काफ़ी वार्म फील हो रहा था, और गलती से वो मेरी लिप्स के ऊपर टच हो गया और मुझे काफ़ी देर तक वो गर्म सेंसेशन लिप्स के ऊपर फील होता रहा। ओवरऑल ये स्टेप काफ़ी रिलैक्सिंग था, मसाज वाला था। सो हाइड्राफेशियल का मेन यही है कि इसमें जितने भी स्टेप हैं उसमें सारे टूल्स यूज़ होते हैं ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए, स्किन को स्क्रबिंग करने के लिए, मसाज करने के लिए। फिंगर टिप से ज़्यादा सारा काम जो है वो मशीन टूल से ही होता है चेहरे के ऊपर। सो 10 मिनट्स तक ये वाला स्टेप भी फॉलो किया, देन दोबारा से मेरी स्किन को अच्छे से पहले क्लीन करा, एंड देन शी मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट स्टेप जिसमें उन्होंने हाइड्रेशन वाला शीट मास्क अप्लाई करा। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं ना? जी मैम, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो कौन सा कलर कैसे डिसाइड करते हैं? ये जो स्किन पे दे रखा है ना। ओके यस। शीट मास्क के ऊपर उन्होंने ये एलईडी लाइट वाला फेस मास्क मेरे चेहरे पर रखा 10 मिनट के लिए। इसका लाइट का कलर पहले रेड था, फिर उन्होंने ब्लू कर दिया। आई रियली डोंट नो कि इसका क्या रीज़न है, बट 10 मिनट के बाद वो लाइट वाला मास्क हटा के जो सीरम बच गया था स्किन के ऊपर उसको हल्का सा मसाज करा, एंड देन लास्ट स्टेप में उन्होंने अप्लाई करा सनस्क्रीन। सो ये वाला सनस्क्रीन लगा रहे हैं अभी हम, और अभी कोई प्रिकॉशंस नहीं? ऐसा कुछ खास नहीं, नहीं ना? कुछ नहीं। ओके फाइन, ठीक है, देखो ये थैंक यू मैम। Thank you. So I'm back home after my Hydra facial and this is how my skin look like. यहाँ पे जब वो suction कर रहे थे ना, आप देख रहे हो उसका mark पड़ गया है मेरी skin के ऊपर, and I will be observing my skin by tomorrow morning. तो अभी कल सुबह देखते हैं कैसा glow आता है. So yeah. Good morning girls. So this is my next day morning face. As you can see, skin काफ़ी radiant and glowy लग रही है. This cheek area, nose, mostly my cheeks are so glowy right now. एंड स्किन काफ़ी मुझे स्मूथ भी फील हो रही है। साथ ये वाला लाइन जो आप देख रहे हो, कल वो जो नोज़ल के साथ ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे थे उसके बाद यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट लाइन क्रिएट हो गई थी, इट वाज वेरी रेड। ये लाइन अभी भी दिख रही है, सो आई एम लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दिस वन, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतना पिगमेंटेशन है, मैं नहीं चाहती एक और मार्क क्रिएट हो जाए। सो आई एम जस्ट hoping for this to settle down soon. So ये वाला वीडियो तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस ग्लो, और आपको ये हाइड्रा फेशियल कैसा लग रहा है? आपने हाइड्रा फेशियल कभी करवाया है तो कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और अगर आपके कुछ सवाल भी हैं हाइड्रा फेशियल से रिलेटेड, लीव दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।